में टक्कर हुई, बाद में एक अलीगढ़ की तरफ से आता हुआ ट्रक में टकरा गए, जिसमें सेतला गाँव के 10 से 12 लोग घायल हुए। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है। एक ट्रैक्टर पर जो बच्चा बैठा हुआ था वो थोड़ा बताते हैं गंभीर है, फिर भी तो साथियों अभी कुछ दिनों पहले आपको पता होगा कि एक कसेर कला पर जो पुल है वहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी जिसमें कि 12 लोग घायल हो गए थे। आज हम उसी की जांच पड़ताल करने आए थे कि जो एक्सीडेंट है वो कहाँ हुआ था। तो हमें ये जो ट्रैक्टर है, ट्रक कार और ट्रैक्टर के बीच वो एक्सीडेंट हुआ था। तो आप मेरे पीछे जो ट्रैक्टर देख रहे हैं पूरा का पूरा तहस नहस हुआ पड़ा है, और आप देख रहे हैं कि जो इस पर सवार था उसके जो एक्सीडेंट हो चुका था उसका ब्लड स्पॉट यहाँ पर है, और दोनों तरफ ब्लड स्पॉट हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना भयानक साथियों अभी मैंने आपको ये जो दाग लगे हुए हैं ब्लड के वो दिखाए थे। अब जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो यहाँ पर जो चश्मदीद थे वो हमारे साथ हैं, और उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से ये घटना घटी और इस घटना का क्या मुख्य कारण रहा। तो आप किस प्रकार से इस घटना का वर्णन करेंगे, किस प्रकार से इस घटना का ये जो घटना है ये घटी, और कैसे कैसे ट्रक ट्रैक्टर और कार जो हैं वो आपस में टकराए? ये ट्रैक्टर आ रहा था पहले आगे से, ठीक ट्रैक्टर आगे चल रहा था, जो ड्राइवर था कार का वो जो दारू पिया हुआ था, वो जो उसकी ओवरटेक की वजह से या कैसे भी उसने जो पहले कार जो ट्रक में उसमें ट्रैक्टर में लगी, उसकी वजह से वो लोग घायल हो गए, ट्रैक्टर वाला जो लोग बैठे थे। फिर उसके बाद पीछे से ट्रैक्टर आया, गांव के लोग उसे बचाने के नहीं आए, देखने के नहीं आए, हेल्प करने के नहीं आए, तो पीछे से उस ट्रक ने चक्कर मारी थी। उसमें कुछ गांव के लोगों ने उस ट्रक को रोका, उसमें थोड़ा फोड़ करी थी लड़कों ने, कुछ लोग उसमें घायल हुए गांव के। अच्छा, वो जो गांव के लोग बचाने आए थे वो किस गाँव के थे? कसेर के थे। कसेर के जी। और ये जो एक्सीडेंट हुआ था ये तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रैक्टर है ये उस जगह से घटना स्थल से थोड़ी दूरी पर है, लेकिन ये जो घटना स्थल था वो यहाँ से लगभग कितनी दूर होगा? यहाँ से मान लो ऐसा होगा जी 800 मीटर। तो दोस्तों ये जो जहाँ घटना घटी हम उस घटना स्थल को भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से 12 लोग घायल हुए और ये बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर घटी। साथियों अभी हमने आपको उस ट्रैक्टर की हालत दिखाई थी, किस प्रकार से उस ट्रैक्टर का तहस नहस हुआ पड़ा है, पूरा का पूरा ट्रैक्टर नष्ट हो गया है और वहाँ पर खून के धब्बे भी हैं। अब हम उसी गांव में उपस्थित हैं जहाँ के पास ये घटना हुई थी, और एक मानवता का उदाहरण गांव वाले ने दिया था कि जिसकी जो घटना हुई थी जो व्यक्ति था उसको बचाने के लिए इस गाँव के लोग गए थे, और इनके साथ बचाते बचाते एक हादसा हो गया जो हम इन्हीं के द्वारा जानेंगे, और इन्हीं के यही चश्मदीद हैं किस प्रकार से वो घटना घटी। आप बताइए अंकल जी क्या घटना थी पूरी? साहब हम तो उस बच्चे को निकाल रहे थे जो ड्राइवर था, उसे ट्रैक्टर में फंसा हुआ था, स्टीयरिंग टूट गई थी, उस स्टीयरिंग के द्वारा फंसा हुआ था, उसमें से उसे निकाल रहे थे। निकाल करके हमने साइड में डिवाइडर के साइड में डाला उसे घास पर, इतने में ट्रक आया पीछे से, उसने ट्रक को जो है ठोक दिया है। तो लगभग कितने लोग उस व्यक्ति को बचाने गए थे? करीब करीब वहाँ थे 100-150 आदमी थे ऊपर। यदि टाइम से लोग बचाव नहीं करते तो और बड़ी घटना घट सकती? हाँ घट जाती, बिल्कुल घटती, बिल्कुल घटती। तो लोगों ने कैसे अपना बचाव किया था? तो वो तो कोई कोई किधर गिरा है, कोई कहीं गिरा है, कोई नीचे आके गिरे, दीवार देखी है आपने, वैसे भी गिरे और वैसे भी गिरे। अच्छा जैसे ये पुल था तो लोग पुल के ऊपर से भी कूद पड़े थे? नीचे गिरे हैं, बिल्कुल नीचे। बचना तो अपनी अपनी तो जान बचानी पड़ेगी, पड़ेगी हमें, हम लोगों के लिए। अच्छा जो घायल हुए थे उनके लिए
सरकार की तरफ से क्या उपचार दिया गया था? सरकार की तरफ से कुछ उपचार ना, सिर्फ एम्बुलेंस बुला दी गई थी। एम्बुलेंस बुलाने के अलावा सरकारी अस्पताल में दवाई हमें वहाँ ले जाकर डाल दिए, एक दो दो इंजेक्शन लगा दिए और ये एक एक ट्यूब दे दिया है बस। देखिए, हम शुरू से इस बात पर कहते आए हैं और अपनी दवाई के लिए हमारी लड़ाई ये चल रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा जाए। आप देख रहे हैं 12 लोग घायल हो गए थे और 12 लोगों में से सभी को ऐसे ही इंजेक्शन दे दिए गए, टैबलेट्स दे दी गई और उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें हायर सेंटर रेफ़र कर दिया गया। यहाँ से अब हम भाजपा की भी बात करें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबू हिम्मत सिंह लोधी भी रह चुके हैं। बाबू जी कल्याण सिंह जी यहाँ की कर्मभूमि थी, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े पद पर होने के बावजूद भी यहाँ पर ना तो अभी तक कोई यूनिवर्सिटी कोई ला पाया है, ना ही यहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर रोजगार की है। स्वास्थ्य सुविधा की कमी के कारण ही आज आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 12 लोग घायल हो जाते हैं लेकिन उनको समय से उपचार नहीं मिल पाता और उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। और यहीं पर हमारे साथ ये भी घायल थी और इनका भी उपचार किया गया था। तो अम्मा जी, क्या क्या घटना हुई थी आप बताइए। ये घटना, उन्हें लकारे गए, कार से टक्कर हुई तो उन्हें लकारे, फिर लकार के गो रख दे तो फिर वो ट्रक आया, ट्रक ने धक्का मारा हमें, ट्रैक्टर में सबरी दबी, उसे दब के सबरी घायल है गए। आपके कहाँ चोट लगी थी? कनपटे पे, मूड पे, यहाँ और टांग में। अच्छा, जो डॉक्टर्स ने आपका इलाज किया था वो क्या कह रहे थे? वो नो कह रहे थे कि अलीगढ़ जाओ और कुछ नहीं, अलीगढ़। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? ना ना ना, कुछ जिम्मेदारी नहीं। यही कारण है कि हम लोग यहाँ पर एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के लिए लड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम और भी लोगों से मिलाएंगे और इस घटना के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से ये घटना। साथियों, अभी हमने आपको एक अम्मा जी थी, वो घायल थी, हालांकि वो इतनी गंभीर घायल नहीं थी, हमने उनसे बात कराई थी और उन्होंने जो इलाज मिला था उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए थे। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस घटना में जो बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं, हम उनके घर पर आए हैं, वह चलने फिरने में असमर्थ हैं और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये दुखद घटना इनके साथ घटी है। ये गए थे हेल्प करने लेकिन इन्हें क्या पता था कि इस प्रकार से हमारी साथ भी कोई घटना हो सकती है। तो हम इनसे जानते हैं कि आप क्या कर रहे थे जिस प्रकार से आपके साथ घटना घटी है। वहाँ हम हेल्प के लिए गए थे, एक ड्राइवर वहाँ ट्रैक्टर में दबा था बीच में, उसके लिए हेल्प के लिए गए वहाँ साइड में, हम उसको दवाई पहुँचाया। उसके बाद में हम साइड में खड़े हुए थे ट्रैक्टर के आगे, पीछे से अचानक से एक गाड़ी आती है, ट्रक, उसने टक्कर मारी। उसके बाद हम गिर जाते हैं, मेरे चोट लगी है, बहुत लोगों की लगी है, समथिंग इसमें 15 लोग घायल हुए हैं, 15-16 लोग इसमें। जो प्रशासन और शासन था उसके ने क्या क्या उपचार में आपको दिया है? प्रशासन ने हमारे लिए कोई उपचार में नहीं दिया, उन्होंने हमारे लिए अलीगढ़ के रेफर करने के लिए बोला लेकिन हम वहाँ अलीगढ़ ना आ जा पाए, लेकिन उन्होंने वहाँ हमें दवाई में कोई भी ऐसा इलाज नहीं दिया जिससे हमें फायदा। अच्छा, जैसे आपके पैर में चोट लगी हुई है, क्या आपका एक्सरा वगैरह वहाँ पर किया गया था? नहीं, कुछ नहीं हुआ, वहाँ कुछ नहीं किया। डॉक्टर्स ने क्या कह दिया है? डॉक्टर्स ने कह दिया अगर वहाँ अलीगढ़ जाओ, अलीगढ़ के लिए बोला, हमने प्राइवेट इलाज करा रहे हैं। फिर अभी तक घायलों को कोई भी मदद शासन और प्रशासन की तरफ से नहीं मिली है। आप देख रहे हैं कि कितने गंभीर रूप से घायल हैं और बहुत ही दुखद ये घटना घटी है। भैया भी कह रहे हैं कि कुछ भी मदद नहीं मिली है, चश्मदीद हैं, गए थे मदद करने के लिए लेकिन उनके साथ ये घटना घट गई जो कि बहुत ही दुखद है। हम भी शासन और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इनको कुछ ना कुछ हेल्प के रूप में आर्थिक मदद की जाए और इनका जो इलाज है उसको मुफ्त किया जाए।